तो देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350। इसका टॉप लाइन वेरिएंट है कि यहाँ पे दिया गया है, क्यू को लगा लेते हैं। लगाने के बाद ऐसे वन कर लेते हैं, इसमें हजार लाइट वगैरह सारा कुछ का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। लाइटिंग देख सकते हैं, ठीक। क्या क्या चेंजेस है ये सारा कुछ तो पहले हम रिव्यू में आपको बता ही दिए। अब आज देखेंगे इसका लोन से डिटेल्स, क्या इसका मिनिमम डाउन पेमेंट, मतलब मिनिमम डीपी क्या पड़ेगा, डाउन पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, और कितने मंथ के लिए ईएमआई आएगा, और कितना का आ जाएगा। तो सबसे एक नॉर्मल एस्टिमेट हम आपको दे देंगे कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मंथ के लिए और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो उसके पहले जो आपको प्रोफाइल है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल जो किस हिसाब से है, सिविल ख़राब है या नहीं है, तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। और अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसेस है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैंक से क्या अप्रूवल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कोई भी बाइक लेने से पहले सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है ना, कि कोई भी एक बैंक से तुरंत फाइनल नहीं करना है। कोई भी शोरूम जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, एक बैंक का ले लेना है, दूसरा बैंक का ले लेना है। उसके बाद दोनों का एस्टिमेट आपको देख लेना है कि इसमें कितना डाउन पेमेंट पड़ रहा है, इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, कम किस में है, उससे आपको परचेज कर लेना है। बहुत सारा है, L&T हो गया, बजाज फाइनेंस, और इधर देखा जाए तो आपका श्री राम को हो जाएगा, फिर इधर चोला हो जाएगा, HDB है, IDFC है, बहुत सारा बैंक है। सबसे आपको देख लेना है कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन है। तो नॉर्मल एक इस्टीमेट अभी हमको बताएंगे, तो यहाँ पे जो इसका प्राइस पड़ने वाला है 247,700 कुछ रुपये के आसपास आपको पड़ने वाला है ऑन रोड, ठीक है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करके है। अब उसमें जो आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस इंक्लूड करके, उसमें और भी कुछ नहीं है। जैसे अब एसेसरीज देख लेते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाता है लेग गार्ड, यहाँ पे इंजन गार्ड, सीट कवर, तो ये सारा कुछ जो आता है ना, ये विथ एसेसरीज आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि एसेसरीज का अलग से चार्ज है। यहाँ पे एसेसरी जैसे लेग गार्ड है ना, तो कम प्राइस का भी मिल जाएगा, ज़्यादातर का भी मिल जाएगा, या प्रोसेस का 4,000 के आसपास आपको आई थिंक मेरे सबसे देख रहे तो पड़ना है, इसका उतना ही पड़ रहा होगा। तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको एक शोरूम ऑन रोड क्या पड़ रहा है, तो देख लेना है, एसेसरीज भी देख लेना है। तो ये सारा कुछ हो जाता है बाइक से रिलेटेड। अब हम देखेंगे तो नॉर्मल जैसे यहाँ पे भी हम एक एस्टीमेट दे देते हैं आपको 5 साल का, ऐसे 5 साल को कोई आपको बैंक नहीं करेगा, कोई कोई बैंक आपका प्रोफाइल अगर सही है तभी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर उससे आपका हो जाता है ना, तो उसमें आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो जाएगा। और वहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ मिल जाता है आपको कि मान लीजिए इसका 247,700 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड प्राइस है, ठीक है। तो उसके पहले कमेंट करके बताना कि बाइक मेरे ऊपर कैसी लगी। तो अगर 2 लाख का आप लोन लेते हैं तो इस सिचुएशन में जो आपको है ईएमआई पड़ जाएगा 5 साल के लिए, मतलब 60 मंथ के लिए 4,448 रुपीज़, मतलब 4,450, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ईएमआई 60 महीने के लिए। बाकी इसमें कुछ आपका चार्ज हो सकता है, कट सकता है, वो सारा कुछ हमने इंक्लूड करके बताया, जैसे उसका प्रोसेसिंग वगैरह जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो देख लेना है, ठीक है। और अलग अलग बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा कुछ हो जाता है लोन से डिटेल्स, तो आपको देख लेना। बाकी इस तरह बाइक से रिलेटेड और भी लोन से डिटेल्स कुछ अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो उनको पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब नॉर्मली चीज़ बाइक में आपको दिखा देंगे हम, कि रिव्यू तो हो गया, लोन डिटेल्स हो गया, कुछ कुछ चीज़ें हम बता देते अगर रिव्यू में नहीं देखेंगे तो। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रंट जो है ना आपका यहाँ पे स्पोक ही आएगा, एलॉय व्हील नहीं आएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग अगर चाहे आफ्टर मार्केट चाहे तो करवा सकते हैं, बट इसमें 19 इंच का स्पोक रिम दिया गया है, देख सकते हैं स्पोक रिम। और ये जो है ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एलॉय व्हील चेंज करवाते तो ट्यूबलेस टायर करवा सकते हैं। बाकी टायर सेक्शन अच्छा खासा मिल जाता है, 190 और 19 इंच का दिया गया है, तो C8 का टायर जैपर ग्रिप में बहुत बेहतरीन है। और इसमें आपका ABS भी मिलेगा, फ्रंट में आपको डबल पिस्टन कैलिपर दिया गया, ब्रेकिंग सिस्टम बेहतरीन है, कोई ऐसा कंप्लेन इसमें नहीं है। और पीछे साइड भी जो आपका टायर सेक्शन है ये अप्रोक्स से देखा जाए ना तो 120 80 और 18 इंच का यहाँ पे स्पोक रिम दिया गया, मतलब फ्रंट आपका 19 इंच का, पीछे का आपका 18 इंच का, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है। और स्पोक रिम दोनों का दोनों एलॉय व्हील आप चेंज करवा सकते हैं, जो भी चार्ज होगा यहाँ से भी परचेज कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। बट यहाँ थोड़ा आपको कंपनी का मिलेगा और इसका जो क्वालिटी होता है बेहतरीन होता है, आफ्टर मार्केट में नॉर्मल क्वालिटी का मिलता है, बाद में कंप्लेन आ जाता है तो वो कम से कम में मिल जाता है। तो आपको देख लेना बेहतरीन चीज़ लगाना तो यहाँ से खरीद सकते हैं, और टेम्पोरी है तो उधर से खरीद सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता प्राइस का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 120 का टायर दिया गया, ये भी ट्यूबलेस नहीं है, तो एलॉय व्हील चेंज करोगे ट्यूबलेस करवा सकते हैं। साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच मिल जाता है, जैसे साइड स्टैंड को ओपन करता है बाइक बंद, साइड स्टैंड पे बाइक आपका चलेगा ही नहीं। ये कुछ कुछ फीचर्स है जो यूनिक हमको बताते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टॉप लाइन वेरिएंट है, टॉप लाइन में ये आपका ना मैट ब्लैक दिखेगा, और ये देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश में दिया गया, ग्लॉसी ब्लैक में
और यहाँ पे बुलेट 350 लिखा हुआ है। इंजन 350 सीसी का मिल जाएगा, मतलब 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन यहाँ पे दिया गया, जो आपका एयर कूल्ड के साथ दिया गया है, ठीक है। टोटल आपको गियर तो आपको पता है, टोटल फिफ्थ गियर का ऑप्शन मिलेगा, मतलब पांच गियर का ट्रांसमिशन। और बाइक जो है E20 OBD2 कम्बाइंड के साथ है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना सारा कार, मतलब जितना सारा बाइक आ रहा है ना, सब BS6 फेस 2 E20 में ही आ रहा है, तो वो भी देख लेना, ये अपडेटेड है। इतना सारा कुछ हो जाता है, माइलेज वगैरह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतना थोड़ा वेट होता है बाइक का, उसके अकॉर्डिंग अगर इकोनॉमी मोड पे नॉर्मली चलता है तो अच्छा खासा 35-40 का माइलेज आपको मिल जाना चाहिए। बाकी अगर ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, मान लीजिए ऐसे होता है कि ओवरलोड बैठ लिए, ये वो सिटी में चल रहा है, ट्रैफिक पर चल रहा है, इसी सिचुएशन में जो आपका ना माइलेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो आपके ऊपर ये भी चीज़ डिपेंड करता है। बाकी इसका रिव्यू से रिलेटेड तो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, और भी इसमें कुछ तो नहीं बता पाएंगे, बाकी जो भी होगा अगर कुछ कुछ छूट रहा हो तो पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे रिव्यू, इसका स्पेशल रिव्यू सिर्फ बाइक से रिलेटेड किया गया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, आज का रिव्यू लॉन्ग डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।